अस्सलाम वालेकुम, और हम बात करेंगे आज पैसे कमाने की। आयशा, पैसे कमाना तो मेरे ख्याल में हर कोई जो है वो उसके लिए ज़रूरी है। और ये पूरा जो कोर्स है डिजी स्किल्स का, इसकी जो आई थिंक मेन एम है या पर्पस है, उसका है ये कि हमने ऐसे लोगों को तैयार करना है जो कि आगे जाके अपने लिए भी पैसे कमा सकें या जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें। तो अब हम ये कहते हैं कि लिखने में कहाँ से पैसा इन्वॉल्व हो गया, तो व्हाट यू से पैसे कैसे कमा सकते हैं लिखते? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जो भी काम करें उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, तो ही क्लाइंट खुश होगा, तो ही आपका पोर्टफोलियो बनेगा, आपको अगले असाइनमेंट्स मिलेंगे। तो लिखें या कुछ और करें, इट हैज़ टू बी गुड क्वालिटी। और उसके लिए हम आपको कुछ तरीके बताएंगे कोर्स में कि जिसके ज़रिए आप अपनी राइटिंग की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकें। अभी थोड़ी देर पहले ना, हम कैमरे पे आने से पहले बात हो रही थी कि पहले वो बेचारा जो है ना, वो साइकिल पे जाता होता था और मुश्किल से साइकिल पे चला चला के वो जाता था, कुछ पैसे कमाता था। बड़े कम पैसे बनते थे, 1-2 रुपए ही बनते होंगे या 5 रुपए उस ज़माने के हिसाब से, और वो बेचारा वापस आ जाता था। और हमने हाल में मूवी देखी थी मंटो, उसमें भी बिल्कुल इसी तरह के कुछ सीन हमें नज़र आते थे। बट आजकल कुछ जो इन्वायरमेंट है वो शायद बेहतर होती चली जा रही है राइटिंग की। आपको ग्लोबली तो नज़र आता है बड़े बड़े जो राइटर्स हैं हमारे, चाहे जेके राउलिंग हो जाए, स्टीवन किंग है, और भी बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं, वो ग्लोबली तो हमारे यहाँ एक मार्केट नज़र आ रही है वेयर राइटर्स आर डूइंग रियली वेल एंड आई थिंक समटाइम्स बेटर देन अदर जॉब्स। तो क्या पाकिस्तान में भी हमें ऐसा लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी है? पाकिस्तान में भी है। देखिए, एक ज़माने में पाकिस्तान में सिर्फ एक थे बड़े पब्लिशर्स इंग्लिश की किताबों के लिए। अब और भी आ गए, जैसे कि शानदाना मिन्हास की मोंग्रेल बुक्स है, वो खुद भी ऑथर हैं, सर्वाइवल टिप्स फॉर लूनेटिक्स उनकी किताब है, फैंटेसी फिक्शन बहुत इंटरेस्टिंग। तो वो उन्होंने और 2-3 किताबें उनका पब्लिशिंग हाउस निकाल चुका है। सो देर इज़ अ ग्रोइंग मार्केट फॉर इट। और हमारा ख्याल है कि अब लोग पढ़ नहीं रहे या सिर्फ इन चीज़ों को देख रहे हैं, किताब जो है उसकी अपनी मार्केट हमेशा से है और वो मेरा ख्याल है रहेगी। इसी तरह लिनेट विका जी एक हैं, कराची की मुकीम है, वो ऐसी ब्लॉग लिखा करती थी अपना, तो उस पर वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसिस वगैरह, उसकी उन्होंने मेमोअर्स की किताब सेल्फ पब्लिश की एंड इट्स गेटिंग अ लॉट ऑफ रिकग्निशन। वो शी इज़ फ्रॉम द पाकिस्तानी एंग्लो क्रिश्चियन कम्युनिटी, उसके बारे में उन्होंने लिखी, एंड शी इज़ मैरिड टू अ पारसी जेंटलमैन एंड अबाउट ग्रोइंग अप इन कराची। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मेमोर, और वो एक वो यूनिक सी उनकी कहानी है, तो वो बहुत मशहूर हो रही है और उनको इट्स सेलिंग अ लॉट ऑल्सो। तो आई थिंक इट्स अ गुड रेसिपी फॉर सक्सेस कि अगर आपकी कोई यूनिक स्टोरी है एंड यू टेल इट वेल, तो देर इज़ अ मार्केट फॉर इट। हम जब बात करते हैं जॉब अवेलेबिलिटी की पाकिस्तान में राइटर्स के लिए, हम देख रहे हैं कि ख़ासतौर पे ऑनलाइन अगर हम देखें तो बहुत एक नई एक डिमांड आ रही है राइटर्स की। कंटेंट राइटर्स हैं, जैसे सोशल मीडिया के लिए रिव्यूअर्स हैं, रिसर्च है। अब रिसर्च करके उन्होंने दिमाग में तो नहीं रखना ना, मतलब उसको दिल में रख के तो नहीं छोड़ देना, उन्होंने लिखना है उसको। तो ऑब्वियसली रिसर्च राइटिंग जो है, रिपोर्ट राइटिंग जैसे आप कह रहे थे वो है आपके पास। लिस्टिकल्स हैं, बड़े मज़े के, मतलब फ़न चीज़ें भी हैं जो अब राइटिंग में आ गई हैं। लिस्टिकल्स हों, क्रिटिक्स हों, चाहे वो खाने के क्रिटिक्स हों, चाहे वो मूवी के रिव्यूज़ हों या क्रिटिक्स हों, वो सारी द टाइप ऑफ राइटिंग, द डिमांड ऑफ राइटिंग इज़ चेंजिंग। फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, ये सारी जो ऑनलाइन राइटिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा राइटिंग जो है, इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप जाओ तो अपवर्क है, आपके पास फ्रीलांसर है, गुरु है, और भी इस तरह की बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स हैं जहाँ पर आपको ग्लोबल मार्केट्स में राइटर्स की डिमांड है। इसी तरह पाकिस्तान में आजकल हम देखते हैं कि जैसे rosie.com या ब्राइट स्पायर पे भी टेम्प्रेरी कंसल्टेंसीज की जॉब्स आती हैं, एडिटर्स के लिए आती हैं। और जैसे अब आयशा आप कह रहे थे कि थोड़े से पब्लिशर्स भी हमारे यहाँ बढ़ गए हैं, तो जो अगर कोई किताब लिखना चाहे तो उसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी जो है वो पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। और मतलब ऑनलाइन के अलावा, नॉवल राइटिंग के अलावा कोई आपको लगता है कि जो एरिया है यहाँ पर? देखिए, ऑनलाइन के अलावा अगर आप, हो सकता है कि आपका इंग्लिश का या क्रिएटिव राइटिंग का बैकग्राउंड ना भी हो, जो लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई है जैसे guru.com या कोई और प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर उन्होंने जो रिक्वेस्ट की हुई है, कई लोगों को मेडिकल के आर्टिकल्स चाहिए। तो अगर आप डॉक्टर हैं या मेडिकल की समझ है आपको या फार्मासिस्ट हैं, सो इफ़ यू लर्न टू राइट अ लिटिल बिट, अपनी राइटिंग को थोड़ा सा पॉलिश कर लें, तो आप उस मार्केट को कैश इन कर सकते हैं। ऑब्वियसली मेडिकल का आर्टिकल हर बंदा शायद ना लिख सकता हो जो एक रेगुलर कोई ह्यूमैनिटीज़ का शख्स है। तो इस तरह के स्पेशलिटी आर्टिकल्स भी बहुत हैं जिसकी वजह से कि जो साइंसेस के लोग हैं उनके लिए भी स्कोप है कि वो लिख सकते हैं।
बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये चीज़ ऑनलाइन भी फ्लो करती है कि आपके बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं ना डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, ट्रैवल के ऊपर है, हेल्थ के ऊपर है, ये सारे, इसमें भी राइटिंग की ज़रूरत होती है और एक्सपर्ट्स की राइटिंग की ज़रूरत होती है. इसी तरह अगर हम आगे लेकर जाएँ, वेबसाइट कॉन्टेंट की हमने बात की थी, कॉपी राइटिंग यानी कि जो इश्तहारात हैं उसके लिए हम बात करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा जॉब का सोर्स है जहाँ आप कॉपी लिख रहे हैं, चाहे वो टैग लाइन है, चाहे वो स्लोगन्स हैं, चाहे वो पूरे पूरे जिंगल्स हैं, तो वो ये काफी एक ज्यादा डिमांड आ रही है एडवर्टाइजिंग साइट से. कॉपीराइटर्स तो एक बड़ी जॉब मार्केट है. बिल्कुल, कॉपीराइटिंग के लिए बिल्कुल डिफरेंट तरह की, थोड़ी सी उसमें विट चाहिए, थोड़ा सा कैची आपने कंटेंट क्रिएट करना है, तो वो उस तरह के जिन लोगों का ये जो क्वालिटीज हैं जिनमें स्ट्रांग है वो इसको अपना पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं. खासतौर पे जब जिंगल्स लिख रहे होते हैं ना, तो इसी तरह सॉन्ग राइटिंग में चले जाते हैं, बड़े जॉब्स आ रहे होते हैं, लिरिक्स के लिरिक्स लिख दें, क्योंकि गाने लिखना भी बड़ा मुश्किल है, तो जो गाना गाने के लिए गाना होना जरूरी है तो वो लिखने वाला भी जरूरी है. तो आई थिंक कि वो भी एक बड़ा जॉनर है, और हम देखते रहते हैं अक्सर ऑनलाइन जो है वो चाहिए होते हैं कॉन्टेंट के लिए, लिरिक्स मांग रहे होते हैं. And I think journalism, as you were saying, has a whole scope. Journalism का भी ये है कि अब उसमें जो major publications जो हमारी भी हैं और जो बाहर की भी हैं, उनमें आप blogs लिख के contribute कर सकते हैं, और उसमें हो सकता है कि area specific कई दफ़ा उन्होंने चीज़ें मांगी हुई होती हैं about current affairs and also about other topics. जैसे कि अभी उन्होंने एक Africa का literature review करके और उसके बारे में एक उन्होंने लिखवाने के लिए request मैं आज देख रही थी, एक वेबसाइट के ऊपर उन्होंने की हुई है कि अफ्रीका में विमेंस हेल्थ इश्यूज के बारे में कुछ लिटरेचर है, और वो देंगे और उसको आपने रिव्यू करके उसके बारे में लिखना है. सो देयर इज अ होल रेंज. अगर जैसे जो खवातीन घर में भी बैठी हुई हैं और जिनको के अपना एक्सपीरियंस है एज बीइंग मदर्स, उनके लिए भी ऑप्शंस हैं, क्योंकि पेरेंटिंग के बहुत से ब्लॉग्स हैं और उसमें जाहिर है जिसने जो अपने एक्सपीरियंस से वो बता सकती हैं, वो दैट विल बी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल फॉर द ऑडियंस. And I think के as you said के publishers भी अब ज़्यादा कर रहे हैं, हाँ ज़्यादा हो गए हैं पाकिस्तान में, और अच्छे they're small लेकिन वो अच्छे publishers हैं. तो I think अच्छी इसमें the good news is कि अब जैसे पहले होता था कि एक writer की या शायर की ये personality है और वो ये शख्स बनेगा, लेकिन अब उसमें इतनी variety है लिखे जाने में, उसकी जो needs हैं और demands इतनी different हैं कि I think बहुत सारे लोग अब इसमें हिस्सा ले सकते हैं, they can be a part of the market. We hope to see many writers making a living out of this from you. Thank you.